फिर से बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां एमपी में आंधी बारिश और ओले का दौर देखने को मिल रहा है। बीते रात कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला है। आने वाले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम मध्य प्रदेश में बना रहेगा। तो नर्मदापुरम, बैतूल और नरसिंहपुर में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव है, जिसके चलते अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा, पांडुर्णा में भी रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो एक तरफ जहां देख रहे थे कुछ दिनों पहले भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी, चिलचिलाती धूप का लोगों को दिन में सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अचानक से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। बीते रोज कई जिलों में तेज बारिश हुई है, ओले का दौर भी देखने को मिला है और मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। नर्मदापुरम, बैतूल और नरसिंहपुर में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 3 सिस्टम एक्टिव है मध्य प्रदेश में, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो बता दें आपको कि सागर, मांडू, रतलाम, अलीराजपुर, उज्जैन में ओले गिरने की संभावना है। इसके साथ ही कई और जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मध्य प्रदेश में 5 दिन मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। कहीं हम देख रहे हैं तेज बारिश हो रही है, तो कहीं ओलावृष्टि का दौर भी देखने को मिला। भोपाल की बात करें तो देर रात गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। इधर रतलाम, सागर, छिंदवाड़ा, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश हुई, तो रतलाम में बताया जा रहा है कि ओले भी गिरे हैं। हालांकि ये जो अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है कि 3 सिस्टम एक्टिव है एक साथ, जिसके चलते मध्य प्रदेश का मौसम आने वाले 5 दिनों तक इसी तरीके का बना रहेगा। तो कहां कहां मौसम बदला है ये भी आपको बता रहे, कौन सी वो जिले हैं जहां पर बारिश हुई है और ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो दमोह, मऊगंज, कटनी, रीवा, सीधी, गुना, बैतूल, हरदा, ये वो जिले हैं जहां पर बारिश हुई है। सतना के चित्रकूट, सिंगरौली, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी कि आज भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश हो सकती है, कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। तो और किस तरीके का मौसम रहेगा मध्य प्रदेश, और रंजना दुबे लाइव जुड़ गई इसके साथ ही, रायपुर से हमारे साथ गौरव लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रंजना आपके पास मैं आती हूँ, किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते रोज गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में? मध्य प्रदेश में अगर मौसम की बात करी जाए तो लगातार बदल रहा है और राजधानी भोपाल में बीती रात गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। अगर प्रश्न साहब मौसम विभाग की बात करी जाए तो मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में सिस्टम सक्रिय हैं और वो लगातार और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, और इसी के चलते मध्य प्रदेश में न सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि प्रदेश भर के करीब 24 से 25 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी 15 से 16 अप्रैल तक मौसम का जो रंग है वो बदला हुआ रहेगा। और फिलहाल करीब 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ओले गिरने को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें रतलाम, अलीराजपुर, उज्जैन और सागर में ओले गिरने को लेकर जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं। लेकिन इसी के साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज और कल झमाझम बारिश होगी, और इसी के साथ ही 16 अप्रैल तक प्रदेश भर में कुछ इसी तरह से जो मौसम है वो बदला हुआ रहेगा। क्योंकि अगर बात करी जाए अप्रैल की, तो अप्रैल के महीने में कई सालों से ये ट्रेंड रहा है जिसमें बारिश हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश का ये जो ट्रेंड है ये अभी इस साल ही बन रहा है, और इसी के चलते कई सालों का जो अप्रैल के महीने में बारिश का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट सकता है। और फिलहाल अभी लोगों को जिस तरीके से जो गर्मी थी उससे राहत मिली हुई है, लेकिन ये जो बेमौसम बारिश है ये अभी फिलहाल 16 अप्रैल तक प्रदेश भर के करीब 25 से 26 जिलों में होगी, और ओलावृष्टि को लेकर भी जो अलर्ट है मौसम विभाग ने जारी किया है।